भाई फ्री फायर बैन हो चुका है। आज के लिए बहुत बड़ा ताज़ा खबर है कि फ्री फायर बैन हो चुका है। क्यों हुआ वो कैसे हुआ है सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी के आगे जो नोटिफिकेशन आएगा वो बताने वाला हूँ कैसे होगा क्या होगा। कल 6 बजे आया कि फ्री फायर प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। बहुत देर के बाद पता चला कि सच में हटा दिया गया है। सब यूट्यूबर भी डाल रहे हैं, देख लेना वीडियो जा कर के। वहाँ पर भी सच बोले तो फ्री फायर हटा चुका है, बैन हो चुका है। ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सब कोई कह रहा है, पर फ्री फायर बैन नहीं हुआ। जो वहाँ पे केस हुआ था वो BJM वाले ने केस किया था। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अथी से बात हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रांच में बात हुआ है, एयरटेल ब्रांच वाले से बात हुआ है। फ्री फायर गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है सर। कब तक चालू सर, कुछ आपको पता है? आपको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा सर। कभी नहीं काम करेगा सर। जियो के सिग्नल क्यों चल रहा है? अगर देखिए आज ही बैन करा रहे प्रोसेसिंग में, अगर कुछ जगह चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा सर। ओ सर, तो सर कोई बैन नहीं है इसका? नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो रिकॉर्डिंग है वो कस्टमर केयर का, एयरटेल जो ब्रांच है ना उससे कस्टमर केयर से बात हुई तो साफ साफ कह रहा है कि फ्री फायर बैन हो चुका है, ये कोई बड़ा मामला हो गया इसलिए बंद कर दिया गया है फ्री फायर। एक बात और बताने वाला है, आप एयरटेल ऐप खोलोगे तो वहाँ पे वार्निंग करके दिया गया है कि गवर्नमेंट द्वारा ये बंद कराया गया फ्री फायर, फिलहाल में हट जाएगा, कभी भी हट सकता है, आपको डिलीट हो जाएगा आपके मोबाइल से भी। फिर बैन हो गया, प्ले स्टोर से हट गया, ऐप स्टोर से भी हट गया। लोग बोल रहे हैं कि बैन हो गया, आप चालू भी नहीं हो रहा है, कैसे करे क्या करे वो सब आपको जानकारी मिलने वाला है वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है हम आपको बताने वाला हूँ कि ये पूरी की पूरी जो है क्राफ्ट लाइन जो है वो केस किया था उसके वजह से हो रहा है, शायद हमको लग रहा है। कुछ बंदे कह रहे थे फेक है, कुछ बंदे कह रहे थे रियल है, उसी की वजह से शायद लग रहा है कि ये बंद हो चुका है, बैन कर दिया गया वो। सो इसी की वजह से मिल रहा है देखने के लिए कि हम लोग को फ्री फायर प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। और फ्री फायर बैन होने वाला होता ना तो ऑफिशियल जो चैनल है फ्री फायर का उस पर जरूर एक न एक रिपोर्ट आया होता कि फ्री फायर आज बंद होने वाला है। बहुत सारा न्यूज़ भी निकल कर आया होता कि फ्री फायर बैन हो चुका, बैन हो चुका। ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है, नहीं से ऑफिशियल चैनल से कुछ आया है रिपोर्ट वपोर्ट जो फ्री फायर बैन हो चुका है। ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो को यूट्यूब वाले डिलीट तो नहीं कर सकते, जैसे हम लोग कमाते हैं वैसे वो भी कमाता है। ये कुछ लोग हैं जो फ्री फायर को कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। यूट्यूब वाले ने मांगे थे फ्री फायर से पैसा, कुछ ये 4-5 हज़ार करोड़ मांगे हुए थे, इसीलिए शायद देखने को मिल रहा है ये सब पोजीशन। फिलहाल में हटा हुआ है, एयरटेल वाले के पास कॉल करने के बाद भी वो भी बोल रहे हैं कि फ्री फायर बंद कर दिया गया उनके वजह से, उनका जो सिम है उसके वजह से ज़्यादा हो रहा है। एयरटेल जो सिम है उस पर भी ज़्यादा करके दिखा रहा है कि फ्री फायर बैन हो चुका है, बैन बैन लिख रहा है, नेटवर्क इरर लिख रहा है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जियो के सिम लगाकर भी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, जियो के सिम से भी चल रहा है। अभी जियो के सिम बहुत अच्छा चला रहा है फ्री फायर को। पता नहीं फ्री फायर वालों के एयरटेल के साथ कुछ पंगे हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है हम लोग को, इसीलिए शायद देखने को सब मिल रहा है फ्री फायर नहीं चल रहा है। एयरटेल सिम जिसके भी पास है उसका नेटवर्क इरो लिख रहा है, फ्री फायर उसके में खुलिए ना रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खड़ा हो चुका है। ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है फ्री फायर बैन हो चुका है, ऐसा होता है बैन होने वाला होता तो बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ जाती है कि फ्री फायर बैन होने वाला, बैन होने वाला। सिर्फ एयरटेल वाले से प्रॉब्लम हो रहा है, एयरटेल सिम से प्रॉब्लम हो रहा है। आप एयरटेल की सिम छोड़िए और जियो की सिम चला करके देखिए, अगर हो जाएगा जियो की सिम से भी चलेगा आपका फ्री फायर। अभी तक गरेना वाले के जो मालिक है उससे भी कोई न्यूज़ नहीं निकल कर आ रहा है कि फ्री फायर बैन होने वाला है, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्री फायर कभी बंद ही नहीं हो सकता अभी कल के फिलहाल में, अगर आने वाला होता बंद होने वाला होता तो अब तो आ चुका होता ऑफिशियल ब्रांच से कि हाँ फ्री फायर बंद होने वाला है, आज नहीं तो कल बंद होने वाला है। पहले भी ऐसा फ्री फायर प्ले स्टोर से गया हुआ था फिर आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, ऐसा गेम इन्जॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसा भी आने वाला है नोटिफिकेशन, जो आगे भी आएगा वीडियो का होगा बंद हुआ है कि नहीं हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है आपको इसी वीडियो में चैनल पर मिलेगा। आप उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको ताज़ा खबर मिलते रहेगा क्या होने वाला है कैसे होगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि मेरा आईडी को ऐसा क्या हो गया कि नहीं चल रहा है, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गिरने वाले पैसा वैसा देंगे और फिर से आ जाएगा आपका चैनल, आईडी का कुछ नहीं होगा, फिर से गेम प्ले कर सकते हैं अच्छा से अच्छा, आपका फिर आईडी वैसा भी जैसा था वैसा ही रहेगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है, आपको जैसा था पहले वैसा मिलेगा फिर से। गिरने वाले इतना पैसा देंगे कि फ्री फायर फिर से चालू होगा, फिर से प्ले स्टोर में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाइज आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है तो आप VPN लगा के खेल सकते हैं फ्री फायर, ऐसे US के VPN लगाओ और खेलो। आईडी वाईडी बंद होने का कोई टेंशन नहीं है, उसमें आईडी बंद नहीं होगा, 100% श्योर है।
आप कैसे हो खेल सकते हैं, VPN कनेक्ट कीजिए और खेलिए, एंजॉय कीजिए गेम को। तब तक के लिए बाय बाय, जा रहे हैं अगला वीडियो में आपको मिलते हैं आगे।